यहां एकत्रित हुए। सम्मानित साथियों, आज विषय बहुत बड़ा गंभीर है और गंभीर विषय के अंदर गंभीर निर्णय लेने का अधिकार हमारी पंचायतों को होता है। पंचायत के माध्यम से मैं अपील कर सकता हूं अपनी सिरदारी से कि इसके अंदर कड़े कड़े कानून बनने चाहिए। कानून क्या हो कि जो भी इस तरीके का कांड हो उसमें उनके परिवारों की समस्त प्रॉपर्टी कुर्की होनी चाहिए, वो एक सबसे पहला कानून होना चाहिए। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा पहले भी सरकारें जितने भी आई हैं, ये भी सरकार थी, पहले जुनेद कांड हुआ, मनीषा कांड हुआ, सोनपेड़ कांड हुआ, निर्भया कांड हुआ और तेलंगाना का कांड हुआ। जहां भी कांड हुए वहां सरकार के माध्यम से ग्रांटें दी गई। ग्रांट क्या, एक परिवार को जो दुख होता है, जिस तरीके से आगे लड़ाई लड़ने की उनकी क्षमता होती है, उसका भरण पोषण के रूप में सरकारें देती है। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं, हमारे यहां चुने हुए प्रतिनिधि भी होंगे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके इस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए दिलाया जाए। दूसरी चीज, आगे से अब 5 तारीख को आने वाले हमारे एक ही यहां चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हुए हैं भाई नीरज जी, और भी जो साथी हैं, आने वाले 5 तारीख को जो विधानसभा का सत्र होने जा रहा है उसमें गैंगरेप हो, मर्डर हो, चाहे इस तरीके का कोई भी घृणित कार्य हो, उसमें सीधे के सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए और उसका टाइम लिमिट ज्यादा से ज्यादा 2 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये विधानसभा के अंदर इतने सख्त कानून बन जाते हैं तो वो परिवार वाले भी ध्यान रखेंगे कि हमारी औलाद क्या कर रही है, हमारी औलाद ने क्या किया है, और उसका दंड उस परिवार को भी मिलेगा जिससे कि उसको आगे चल के आंखें। मैं ज्यादा ना कहते हुए, बाकी तो पंचायत अपने आप जो फैसला लेगी, हम आपके साथ हैं, तन से मन से धन से जहां जो आदेश करोगे आप एक आवाज लगा देना। आपके भाई जितने यहां खड़े हैं और जिस तरीके के जोश में यहां खड़े हैं, उत्तर प्रदेश से भी आए हुए हैं, गुजरात से भी आए हुए हैं, हरियाणा से भी आए हुए हैं और समस्त जगह से आए हुए हैं, सब भाई मिलजुल करके जब तक सख्त कानून नहीं बनेंगे, 5 तारीख को आने वाले समय में विधानसभा का जो सत्र हो रहा है, आज आपने योगी जी का भी सुना होगा कि भाई लव जिहाद का या तो मत जाना, ये ठीक ठाक कानून बना दे, नहीं राम नाम सत्य की तैयारी कर ले। ये बड़ा दुख का विषय है कि हमारे साथ में ऐसे हो जाते हैं। 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन तो हम इन चीजों को ध्यान रखते हैं। अगर कानून बन जाएगा तो ये परमानेंट सबके लिए एक समाधान निकल आएगा। मैं तो इसी के साथ कोई गलत कहा हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वक्ताओं से कृपया कर